हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूम विद अंजू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर प्रूफ, वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ, आप इस मेकअप बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल बंगाली मेकअप लुक फॉर न्यू ईयर, क्योंकि वैसाख माह से ही बंगाली न्यू ईयर स्टार्ट होता है। और उसका मेकअप लुक में खास पसीना ना आए आपके फेस पे, आप पूरा दिन ये वाला मेकअप कैसे कैरी कर सकते हैं। आप एक बार मेकअप करेंगे और सुबह से आप रात तक डन ना, आपके चेहरे पे कोई स्वेटिंग होगी। और उसको लुक भी मैंने पूरे ट्रेडिशनल ही दिया है और बहुत ही खूबसूरत ये वाला मेकअप लुक उभर के आया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आई एम नॉट बंगाली, पर बंगाली मेकअप लुक के बाद मैं भी बंगाली ही लग रही हूँ, तो इतना ज़्यादा अच्छा ये आज वाला मेकअप लुक है। तो ये वाला खूबसूरत सा मेकअप लुक मैंने कैसे किया है, बंगाली मेकअप लुक फॉर पहला बैसाख इसको बोलते हैं, वो मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मोस्ट वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का खूबसूरत सा ट्रेडिशनल बंगाली मेकअप लुक। सबसे पहले दोस्तों, आपको करना है स्किन केयर। स्किन केयर आप अपने फेवरेट क्लींजिंग टोनर और मॉइस्चराइजर तीनों चीज से करें, जो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है। पहले क्लींजिंग की है, फेस साफ किया है, देन टोनर किया है गुड वाइब्स का, और अपने फेस पर मैंने लगाया है गुड वाइब्स का ही मॉइस्चराइजर। और ब्रोज को दोस्तों, मैं NYBA की आईब्रो पेंसिल है, बहुत ही अफोर्डेबल, उससे मैंने ब्रोज को फिल कर लिया है। ताकि आपके ब्रोज में बाल कम हो, उसको आप जरूर इस तरीके से फिल करें। और ब्रोज को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा फाइनल और फिनिश लुक देने के लिए आप ये वाला स्टेप, जो कि मैं कर रही हूँ कंसीलर से, और कंसीलर मैंने लिया है दोस्तों स्विस ब्यूटी का कंसीलर, उससे मैं इस तरीके से कर रही है अपने ब्रोज को डिफाइन। इससे बहुत अच्छे तरीके से ब्रोज का लुक आ जाता है, बहुत सुंदर लुक आ जाता है। और अगेन मैंने सेम स्विस ब्यूटी के कंसीलर से अपनी आई लिड को इस तरीके से कर लिया है कंसीलर, क्योंकि सबसे पहले हम आई मेकअप ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टेक वेकी के लूज पाउडर से अफोर्डेबल एंड बेस्ट मैंने कर लिया है अपने कंसीलर को सेट, ये ताकि हमारे कंसीलर पर कोई ग्रीज ना पड़े जब हम आई मेकअप शुरू करें। अब मैंने ली है मोर्फी की आई शेडो पायलट, और उसमें से मैंने ये पीचिस काइंड ऑफ ये जो कलर है उससे लेकर मैं अपनी क्रीज लाइन को एक फ्लफी ब्रश से इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ। मैंने सिर्फ ये पीच लाइट पीच कलर लिया है, और आईब्रो से ऊपर यानी कि क्रीज लाइन को आपको इस तरीके से डिफाइन करना है एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। बहुत ही इजी मैं आई मेकअप लुक देने वाली हूँ आज, जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब डार्क रेडिश कलर को लेके क्रीज लाइन के नीचे और आउटर वी पे ही आपको फोकस करना है। क्रीज लाइन और आउटर वी पे आप थोड़ा सा उससे छोटा फ्लफी से थोड़ा स्मॉल ब्रश ले सकते हैं, और अपने आउटर वी पे और क्रीज लाइन पे इस तरीके से इस कलर से। ये जो मोर्फी आई शेडो पायलट है ना दोस्तों, अगर आप बिगनर्स भी है तो आपके पास ये आई शेडो पायलट होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, बहुत ही कम पैसों में ये आई शेडो पायलट आ जाती है, बहुत ही तरीके के इससे आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने अब लिया है थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर, दो कलर को मिला के मैं ले रही हूँ ये दो कलर, एक रेडिश और एक ये डार्क ब्राउन, और अपने आउटर वी पे ही इस तरीके से मैं ये वाला कलर पॉप कर रही हूँ, सिर्फ आउटर वी पे, दोनों आईज के आउटर वी पे बस आपको फोकस करना है। क्योंकि बंगाली जो लेडी गर्ल होती है उनकी आईज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर होती हैं, तो मुझे थोड़ा वही ध्यान में रखना है। अब मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से लिया है ये थोड़ा सा गोल्डनिश और थोड़ा सा शिमरी पीसीज कलर, और उसके ऊपर दोस्तों मैंने स्विस ब्यूटी का ये ग्लिटर आई शेडो लगाया है, सेम थोड़ा सा पीच और गोल्डन कलर मिक्स है इस ग्लिटर आई शेडो में, और ये बहुत ही आसान है इस तरीके से लगाना, और बहुत ही खूबसूरत इससे आई मेकअप आ जाता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इससे शाइन आ गई है। और अपने इन दोनों कलर के बीच में हाफ लाइन ना रहे तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर लेकर फिंगर की हेल्प से अपनी दोनों कलर के बीच की हाफ लाइन को इस तरीके से डैब डैब करके उस हाफ लाइन को मैंने ख़त्म कर दी है, ताकि आई का बड़ा सुंदर सा लुक आए और क्लीन लुक आए। क्योंकि आई मेकअप अगर आपका क्लीन है ना, तो आपके मेकअप में चार चांद लग जाते हैं, और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही इजी स्टेप में आप ये वाला आई मेकअप कर सकते हैं।
NYB का लाइनर और बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा लाइनर अगर आपको चाहिए वो भी बहुत कम बजट में, तो आप डेफिनेटली आप इसको बाई करें, क्योंकि इस टाइम मेरा रिसेंट फेवरेट लाइनर है ये। मैं इसको बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ, बहुत ही स्मूथ भी है। और दोस्तों अब मैंने लिया है मस्कारा अपनी लैसेस को कर्ल करने के लिए, मेबलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये पूरा आपको 24 आवर्स तक आपके लैसेस को इसी तरीके से फोल्ड भी कर रखता है, और साथ ही साथ इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम आपकी लैसेस को मिल जाता है। वाटरप्रूफ भी है तो अच्छा है, आप इसे डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। और मैंने फॉल्स लैसेस कर ली है अप्लाई, और बहुत ही इजी वे में फॉल्स लैसेस आप अप्लाई कर सकते हो। यार न्यू ईयर मेकअप लुक है बंगाली तो ये करना बनता है। इसका नाम है सुनीसा एयर कुचन सीसी क्रीम, या आप बीबी क्रीम या फाउंडेशन आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। और ये समर में इससे बेस्ट स्वेट प्रूफ, यानी ये पसीने को रोकने के लिए इससे बेहतर सीसी क्रीम बीबी क्रीम मैं बोल ही नहीं सकती। और इसी का एप्लीकेटर है इससे मैं इसको कर रही हूँ पहले सेट। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है सुनीसा क्रीम के ऊपर, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा सा मेकअप CV3 का मेकअप फिक्सर मैंने लगाया है, और इस वाले सीसी क्रीम को इससे भी सेट कर लिया है ताकि बिल्कुल भी स्वेटिंग फेस पे ना आए और आपका फेस पूरा दिन ऑल सेट रहे। आप देख सकते हैं कि कितना नेचुरल लगाने के बाद इसको लुक आया है, कोई भी बहुत ज़्यादा बेस आपके फेस पे नहीं है। और इस बेस को सेट करने के लिए अगेन मैंने लगाया है स्टेक वेकी का लूज पाउडर, और बहुत ही लाइट वेट लूज पाउडर है दोस्तों, ये बहुत ही लाइट वेट, लगाने के बाद लगेगा ही नहीं अपने फेस पे बहुत कुछ लगाया है, और बहुत अच्छे से आपके पूरे फेस को इस तरीके से सेट कर देता है। अगेन मैं बोलूँगी मेरा फेवरेट लूज पाउडर है, मैंने 2-3 ब्रांड के और मंगाए हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे इस टाइम पसंद आ रहा है। और दोस्तों सेम आई शेडो पैलेट में से आप कितने काम कर सकते हैं, उसी से मैंने ये लाइट ब्राउन कलर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से एक ब्रश से मैं अपने फेस को कर रही हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टोर के बिना आप अपने फेस को कोई स्ट्रक्चर दे ही नहीं सकते। बीबी क्रीम सीसी क्रीम लगाएं या फिर फाउंडेशन लगाएं, हमारा फेस थोड़ा सा दब जाता है उसके बाद, तो हम अपने जो हमारे हाईलाइट पॉइंट होते हैं उनको हमारे कट को और उभारने के लिए कॉन्टोर जब मस्ट। और कॉन्टोर में किस तरीके से देख कर रही हूँ आपको ये देखना है, जो लाइन के नीचे नोज पे, और किस तरीके से आपको अपने नोज को और जो लाइन को किस तरीके से कॉन्टोर करना है ताकि फेस को एक सुंदर सा शेप आ जाए। कॉन्टोर पाउडर से भी कर सकते हैं, मैंने तो अपनी आई शेडो पैलेट में से ही ब्राउन कलर लिया और उससे मैंने अपने फेस को कॉन्टोर कर दिया है। नोज को कर दे NYB की दोस्तों, ये है जेट ब्लैक ब्लैक काजल, और अपनी लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों को ही कर रही हूँ मैं इस तरीके से काजल, क्योंकि बंगाली लेडीज होती है उनकी आईज बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा कजरारी होती है, तो हमें आई का मेकअप भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो अच्छे से मैं अपनी दोनों वाटर लाइन पे इस तरीके से लगा लिया है काजल, बहुत ही पिगमेंटेड है। और सेम ब्राउन कलर से जो हमने आई मेकअप में भी यूज़ किया था, मैं अपने आईज़ को कर रही हूँ थोड़ी सी स्मोक आउट लोअर वाटर लाइन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। स्टेक वेकी का ये मैं लगा रही हूँ ब्लशर, स्टेक वेकी चीकी गर्ड्स आप ये ब्लश है दोस्तों बजट में, और बहुत ही इसका नेचुरल कलर है समर के हिसाब से, बहुत ही नेचुरल है, आपके एप्पल चीक्स को बहुत ही नेचुरल लुक देता है। तो इस तरीके से एक ब्रश के हेल्प से मैंने कर लिया है ब्लशर। और अब दोस्तों मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला हाइलाइटर स्टिक, बहुत ही नेचुरल स्विस ब्यूटी की ये हाइलाइटर स्टिक है दोस्तों, आप देख रहे हैं ना इस तरीके से लगा के मैंने फिंगर से डैब कर दिया है, और इसमें पीछे से डैबिंग का भी दिया हुआ है एक फोम टाइम, आप उससे भी डैब करके लगा सकते हैं अपने हाईलाइट पॉइंट को, मैं कर रही हूँ इस तरीके से हाईलाइट। और अगर आपको बहुत ही कोई नेचुरल हाईलाइटर चाहिए ना, जो बिल्कुल भी चंकी नहीं हो, बहुत ही नेचुरल ग्लो आपके फेस को प्रोवाइड करता है, खासकर डे लुक के लिए मैं बोलूँगी, तो आप ये स्विस ब्यूटी की दोस्तों हाइलाइटर स्टिक ले सकते हैं, काफ़ी बजट में भी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये देखो ना इसके बैक में दिया हुआ है, मैंने बताया था कि आप डैब डैब करने वाला भी दिया है, आप इससे भी अपना
सेट कर सकते हैं हाइलाइटर को, लेकिन मुझे फिंगर से बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आ जाता है फिंगर से। अपने आईज़ के कॉर्नर को भी इस तरीके से हाईलाइट किया है, नोज कट किया है। और दोस्तों अब एक स्टेक वेकी की ही ये ब्राउन पेंसिल से मैं कर रही हूँ अपने लिप्स को इस तरीके से है आउटलाइन। अपने लिप्स को एक अच्छी सी शेप देने के लिए शुगर की 01 दोस्तों ये शेड नंबर है ब्रेजिन रेजिन। अगर आपको हॉट रेड कलर चाहिए, जो बेंगोली मोस्टली लगाते हैं रेड कलर, और ये इससे ज़्यादा खूबसूरत रेड कलर अभी तक जितने मैंने ब्रांड लिए हैं मुझे नहीं मिला है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। CV3 का मेकअप फिक्सर अपने मेकअप पे इसको सेट करने के लिए मैंने अच्छे से मेकअप फिक्सर कर लिया है पूरे फेस पे, और बड़ी सी लगा ली है रेड बिंदी। और दोस्तों अब मैं साड़ी कैरी करने जा रही हूँ ज्वेलरी। अब मैंने ये इस पे ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी है रेड ब्लाउज पे, देन ज्वेलरी मैंने पहनी है इस तरीके से येलो, और ये मेरा ऑल ओवर मेकअप लुक है बेंगोली, और जो मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बहुत कम टाइम में होने वाला ट्रेडिशनल बेंगोली मेकअप लुक, ऑल्सो स्वेट प्रूफ एंड समर प्रूफ। और दोस्तों अगर आपको आज वाला मेकअप लुक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना बनता है। और प्लीज़ मुझे करके बताइएगा आज वाला मेरा मेकअप लुक आपको कैसा लगा है, और हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की आने वाले वीडियो की भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलती हूँ मैं आपसे आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बेंगोली परिवार को पहला बैसाख की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।